खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर पर सीतापुर रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के एक एक कक्ष का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण करते हुए निर्माण एजेंसी के मौजूद अधिकारियों को मानक व गुणवत्ता परक निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि मानक व गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी को बताया गया कि कोरोना संक्रमण के चलते निर्माण कार्य कुछ विलम्ब हुआ है। इस समय 500 से अधिक मजदूर लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रयास है कि निर्धारित लक्ष्य के समय से ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस मौके पर जनरल मैनेजर BN त्रिपाठी JN चक्रवर्ती देखिए, शासन द्वारा यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है, तो उसी का जो कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है उसके वो नियमानुसार हो रहा है कि नहीं, और क्वालिटी वगैरह के मानकों का इनके द्वारा अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, उसी के क्रम में निरीक्षण किया गया था। यहाँ पे देखा गया कि जो जो स्वीकृत ब्लॉक्स हैं उसके जैसे यहाँ पे एडमिन ब्लॉक है, मल्टीपर्पज ब्लॉक है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, छात्रों के लिए हॉस्टल्स बने हुए हैं, तो उन सबका निरीक्षण किया गया है कि वो मानक के अनुसार हैं कि नहीं, और कार्य यहाँ पे अभी तक तो संतोषजनक ही पाया गया है। और उसी को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने इनकी लैब्स भी देखी और इनके जो सैंपल्स इन्होंने ITBHU भेजे थे उसको भी क्रॉस वेरीफाई करा यहाँ पे, और कुछ सैंपल टेस्ट रन भी करा के देखे, तो फिलहाल तो संतोषजनक प्रतीत होता है। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि सर हम इसको इसके कार्य को पूर्ण करने की जो समय सीमा है वो लगभग क्या कहते हैं दिसंबर या फरवरी के आसपास है, और थोड़ा कोरोना की वजह से सर इनके द्वारा बताया गया कि 3 महीने के करीब लगभग थोड़ा कार्य पिछड़ा है, बट अभी क्योंकि यहाँ पे 500 से 600 मजदूर डेली काम कर रहे हैं तो हमें आशा है कि हम जल्दी इसे कार्य को पूर्ण करा के इसका पंकज सिंह व उप जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।